देखता है वो खुदा है तू मेरी खुशियों का जहां है तू और क्या मांगू मिला है तू करके तुझसे ये दिल की बातें बदला दिन बदली मेरी रातें कैसे एक पल भी तेरे बिन गुजार दिखता है वो खुदा है तू मेरी खुशियों का जहां है तू और क्या मांगू मिला है तू करके तुझसे ये दिल की बातें बदला दिन बदली मेरी रातें कैसे एक पल भी तेरे बिन गुजार दिखता है वो खुदा है तू मेरी खुशियों का जहां है तू और क्या मांगू मिला है तू करके तुझसे का अगला वीडियो लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हूं। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले यानी आपकी पढ़ाई स्टार्ट करने से पूर्व मैं अपने चैनल से जुड़े सभी छात्र छात्राओं सभी शुभ चिंतकों एवं सभी मित्रों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं अपने चैनल से जुड़े सभी व्यक्तियों का शुक्रगुजार हूं। मैं अपने चैनल अनिल इंग्लिश क्लासेस से जुड़े हर व्यक्तियों का मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए टाइम एंड टेंस का पढ़ाई को जो हम लोग प्रारंभ किए थे उसको आप आगे बढ़ाया जाए। टाइम एंड टेंस का जो स्पेशल रूल चल रहा था उस स्पेशल रूल में जहां तक प्रीवियस क्लास में हो चुकी थी उनसे आगे उनका नेक्स्ट रूल लेकर मैं आज फिर से उपस्थित हूं। आइए आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए कॉपी कलम अपने सामने में खोलिए और जल्दी से नोट करते हुए समझने का प्रयास करें। देखिए टाइम एंड टेंस जो हमने स्टार्ट किया था ग्रामर का एक टॉपिक जो एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट बहुत ही बेहतर टॉपिक जो एक ऐसा टॉपिक जो सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। आप कंपटीशन एग्जामिनेशन को छोड़ दे हम लोग अपने दैनिक जीवन में भी जो कुछ बात अंग्रेजी में बोलते हैं उनमें भी ये टेंस जो है काफी सहायक होता है। इसी कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं पांचवा रूल पर चल रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं मेरा पांचवा रूल लिखा हुआ है। पांचवा रूल है टू सॉ ए फिक्स्ड फ्यूचर प्लान ऑब्लिक एक्शन। फिर से एक बार देखिएगा टू सॉ ए फिक्स्ड फ्यूचर प्लान ऑब्लिक एक्शन। इसी के और में हमने इसी रूल को चेंज करके थोड़ा लिखे हैं टू सॉ ए 99% सर्टेन फ्यूचर प्लान। टू सॉ ए 99% सर्टेन फ्यूचर प्लान। क्या होता है इसका हिंदी देखिए टू सॉ ए फिक्स्ड फ्यूचर प्लान कह रहा है एक निश्चित एक फिक्स्ड फ्यूचर प्लान या एक्शन यानी एक निश्चित
या निर्धारित निश्चित भी बोल सकते हैं या इस निश्चित को हम निर्धारित भी लिख सकते हैं। निर्धारित नहीं लिखे तो हम इसको अस्थाई भी लिख सकते हैं, ठीक है। एक निश्चित भविष्य या एक निर्धारित भविष्य की क्रिया या योजना को दर्शाने के लिए, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग जो है वह एक भविष्य की निश्चित क्रिया को, भविष्य में जो निश्चित होता है जिनका होना 100% 99% सर्टन हो, जो किसी भी सूरत में हो, ऐसी घटना को दर्शाने हेतु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। किसकी घटना? भविष्य की। कैसी घटना? निश्चित घटना या निश्चित क्रिया या निश्चित योजना को दर्शाने हेतु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। फिर हमने नीचे भी लिखा है टू सॉ ए 99% सर्टेन फ्यूचर प्लान, 99% निश्चित भविष्य की योजना को दर्शाने के लिए, यानी जो लगभग तय है जिसका होना, जो लगभग होने होगा ही, ऐसी घटना यदि भविष्य की भी होती है, ऐसी क्रिया यदि भविष्य की भी होती है, ऐसी क्रिया यदि फ्यूचर की भी होती है, तो उसको दर्शाने हेतु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आप लोग हाथ चला कर लिखे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम इसको लिख चुके हैं, आप लोग इसको अपने नोटबुक में लिख लें तेजी से हाथ चलाकर। देखिए निश्चित आप लोग समझते होंगे, जिसका निश्चित क्या हुआ, जो निश्चित क्या है, निश्चित मतलब हो गया जो 100% होना हो, यानी जिसकी होना तय हो, उसी को क्या कहते हैं? निश्चित कहते हैं। तो निश्चित में क्या है? फिक्स्ड, वह अस्थायी होना चाहिए या निर्धारित होना चाहिए, ऐसी फ्यूचर की एक्शन को यानी क्रिया को या प्लान को यानी योजना को दर्शाने हेतु तो किसका प्रयोग किया जाता है? प्रेजेंटिंग डेफिनेट टेंस पे। आइए अब हम लोग इसकी एग्जांपल को देखते हैं, जो बोर्ड में किस तरह से आपको इस पर क्वेश्चन भेजेगा, है ना। दो पीएम, पीएम पी फोर प्राइम, एम फोर मिनिस्टर यानी प्राइम मिनिस्टर यानी प्रधानमंत्री, दो पीएम डॉट डॉट ब्रैकेट में भर दिया हुआ है विजिट सहरसा नेक्स्ट मंथ, यानी कह रहा है प्रधानमंत्री अगले महीने सहरसा की दौरा करेंगे, सहरसा आएंगे, सहरसा की दौरा करेंगे या सहरसा आएंगे या सहरसा का भ्रमण करेंगे, एक ही बात है। ये बात कब बोला जाएगा? जब यह बात क्या हो? निश्चित हो। यानी आप ही ये बात हमको कहिएगा तो ये आपकी इस बात को सुनने के बाद मेरे अंदर एक फीलिंग आएगी जो यह बात क्या है, बिल्कुल निश्चित है, तब ना इस तरह से आपको बता रहे हैं जो प्रधानमंत्री अगले महीने सहरसा आएंगे, नहीं तो कर सकते थे जो आने की संभावना है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कह रहा है क्या? प्रधानमंत्री अगले महीने सहरसा आएंगे, सहरसा की दौरा करेंगे या सहरसा भ्रमण करेंगे, एक ही बात है। अब इसी के लिए आपको नीचे में चार एग्जाम्पल रहेगा। पहला एग्जाम्पल दे देगा विजिट ही, दूसरा आपको दे देगा विजिट्स, तीसरा आपको दे देगा विजिटिंग, चौथा दे देगा आपको विजिटेड। तो बताइए इनमें से कौन होगा? तो अभी आपने क्या देखा? जो सर्टेन फ्यूचर प्लान, सर्टेन फ्यूचर एक्शन हो तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत रखा जाता है। अब यह घटना क्या है? निश्चित। यह क्रिया क्या है? निश्चित। यह काम क्या है? निश्चित होने वाला है। तो इसको हम लोग किसमें दर्शाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, हमने क्या बोला था? सब्जेक्ट प्लस
B1/B5 plus other words plus full stop. अब subject plus B1/B5 और plus other words plus full stop. सबसे पहले क्या subject? तो देखिए यहाँ subject PM दिया हुआ है. अब हमको subject को पहचानना है, जो subject किस person और किस number में है. तो subject आपका क्या है? Third person का singular number. जब यह third person का singular number होगा, तो अपने साथ verb क्या लेगा? Singular. तो singular verb होता कौन है? B1 होता है या B5 होता है? तो हमने आपको बताया था, verb का जो पांचवा रूप, यानी B5 जो होता है, वो क्या होता है? Singular. तो यहाँ अपने साथ क्या लेगा? B5. अब option में देखना है, जो B5 हमें कहाँ नजर आ रहा है? तो पहला में B1 दिया हुआ है, नहीं होगा. दूसरा में physics S लगा हुआ है, B5 है. ING फॉर्म में चौथा रूप नहीं होगा. ED लगा हुआ है, दूसरा या तीसरा फॉर्म होगा, नहीं होगा. यानी होगा कौन? पांचवा फॉर्म है कौन? ऑप्शन नंबर 2. यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका क्या हो जाएगा? आंसर. तो ऑप्शन नंबर 2 को क्या कर लेंगे हम लोग? ये हम आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में रहेगा, इसके लिए OMR से भी दिया रहेगा. तो इस क्वेश्चन के सामने हम लोगों को ऑप्शन नंबर 2 को क्या करना है? कलर कर देना. कोई दिक्कत? आइए हम एक और एग्जाम्पल इस पर करते हैं. एक और एग्जाम्पल इस पर देखते हैं. Your father dot 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 bracket में है come to Sahrsa tomorrow. Comes to Sahrsa tomorrow. कह रहा है योर फादर डॉट डॉट कम टू सहरसा टुमारो. यानी तुम्हारे पिताजी जो है सहरसा कल आएंगे. यानी ये बात क्या है? निश्चित है. तो ये क्या हो गया? एक फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन हो गया, या एक फिक्स्ड फ्यूचर क्या हो गया? प्लान हो गया. या एक सर्टेन फ्यूचर क्या हो गया? प्लान हो गया. या एक सर्टेन फ्यूचर क्या हो गया? एक्शन हो गया. और जैसे ही सर्टेन फ्यूचर प्लान हो एक्शन हो, या फिक्स्ड फ्यूचर प्लान हो एक्शन हो, उनको दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. अब इनके लिए आपको चार ऑप्शन दिया हुआ रहेगा. पहला ऑप्शन रहेगा आपको जैसे दिया हुआ कमिंग. दूसरा दिया रहेगा कैम. तीसरा दिया रहेगा कम्स. चौथा दिया रहेगा कम. बताइए क्या होगा आंसर? बाबू आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा जो इसका आंसर क्या होना चाहिए. तो योर फादर डॉट डॉट कम टू सहरसा टुमारो, ये एक फिक्स्ड फ्यूचर प्लान है, या फिक्स्ड फ्यूचर एक्शन है, या 99% सर्टेन फ्यूचर प्लान है. तो इसको दर्शाने हेतु कौन आएगा? तो इसको दर्शाने हेतु आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सब्जेक्ट प्लस B1/B5 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप. सब्जेक्ट यहाँ पर दिया हुआ है योर फादर. कौन पर्सन? कौन नंबर? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर. तो इसके साथ क्या आएगा? B5 यानी सिंगुलर वर्ब. तो कम का सिंगुलर क्या होगा? यानी कम का पांचवा रूप क्या होगा? तो कम्स हो जाएगा. कम्स कहाँ नजर आ रहा है? तो कम्स नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में. यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा? आंसर. जिस तरह से पहला का क्या आंसर हो रहा था? तो पहला का आंसर हो रहा था फिजिक्स. यानी ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो रहा था. उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा योर फादर डॉट डॉट कम टू सहरसा टुमारो. तो योर फादर के साथ कम्स आएगा.
comes appropriate for form 7 इसको फिल करने के लिए कोई दिक्कत जल्दी से हाथ चला के उतारिए बाबू मैं आगे का रूम फिर से लिखाऊंगा जल्दी से हाथ चलाकर इसको लिखे मैं ताकि आगे बढ़ पाऊं जल्दी करें तेजी से हाथ चलाए बाबू देखिए अब हम लोग देखेंगे जो अगला रूल क्या कह रहा है इसमें अगला रूल यानी छठा रूल क्या है छठा रूल जो है और भी महत्वपूर्ण है बाबू मेरे ये जो रूल है अति आवश्यक रूल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल देखते हैं हम लोग इस रूल को क्या कह रहा है ये रूल ध्यान दे रखे बोर्ड पर मैं इसे समझाने जा रहा हूं कह रहा है टू सॉ द रनिंग कमेंट्री ऑफ ए गेम यानी टू सॉ द रनिंग कमेंट्री ऑफ ए गेम टू सॉ ए सॉरी टू सॉ द रनिंग कमेंट्री ऑफ ए गेम टू सॉ द रनिंग कमेंट्री ऑफ ए गेम सो मतलब दर्शाना दिखाना क्या रनिंग कमेंट्री ऑफ ए गेम एक जो खेल होता है उस खेल का आंखों देखा हाल का प्रसारण यानी खेल जो चल रही होती है उसमें क्या क्या हो रहा है इस बात को जो बताया जाता है उसी को क्या कहा जाता है आंखों देखा हाल यदि आंखों देखा हाल नहीं समझ रहे हैं तो कमेंट्री भी या उद्घोषणा उस खेल में क्या क्या हो रहा है उसको उद्घोष कर रहे हैं या भाष्य भाष्य मतलब होता है जो उस खेल को भाषा के रूप में जो दर्शाया जा रहा है यानी किसी भी खेल का जो आंखों देखा हाल जो प्रसारण किया जाता है उसको जो बताया जाता है उसे दर्शाने हेतु भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है याद रहेगी कोई गेम जो चल रही होती है कोई खेल जो चल रही होती है उसकी जो उद्घोषणा करना होता है उनका जो आंखों देखा हाल बताना होता है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी अंतर्गत बताया जाता है आप लोग क्रिकेट देखे होंगे गली कुची में भी क्रिकेट होता है टूर्नामेंट होता है वहां पर भी देखे होंगे मैच लगाकर उस सारी खेलों को क्या करता है बताता है कमेंट्री करता है यदि उसको कमेंट्री इंग्लिश में करना हो तो उसको जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या करना पड़ेगा प्रयोग करना पड़ेगा यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करके ही उसको भाषा के रूप में बताना पड़ेगा चाहे फुटबॉल का मैच हो हॉकी का मैच हो कबड्डी हो बैडमिंटन हो कोई भी खेल हो उसका जो कमेंट्री होगा रनिंग कमेंट्री जो होगा उस रनिंग कमेंट्री को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही दर्शाया जाता है आईपीएल देखते हैं आप लोग या इंडिया का किसी के साथ सीरीज मैच मैच होता है तो देखते हैं उसमें जो कमेंट्री होता है उसको ध्यान से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा जो वह जो कमेंट्री कर रहा होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही फोकस करके कमेंट्री कर रहा होता है क्योंकि सभी चीज जो है तत्काल के लिए प्रेजेंट में क्या हुआ है घट रहा है ऐसे बातों को दर्शाने हेतु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है देखिए हम इसके लिए एग्जाम्पल लिखे हैं अख्तर अख्तर शेर अख्तर अख्तर डॉट डॉट ब्रैकेट में है बॉल टू रोहित यानी अख्तर जो है किसको गेंदबाजी करता है रोहित को करता है तो अख्तर करता है तो अख्तर क्या हो गया सब्जेक्ट अब देखिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर तो आप लोगों को मालूम नहीं है सब्जेक्ट प्लस बी वन और बी बी फाइव प्लस अदरवर्स प्लस फुलस्टो है ना अब देखिए इस कमेंट्री को हम लोग अंग्रेजी में करते हैं अख्तर जो है गेंदबाजी किसको कर रहा है रोहित शर्मा
माँ को करता है तो आप कब तक ये समझा दोगे ये अपने अनुसार भुवन या भोपाल मिलेगा तो अख्तर क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर तो ये बॉल मार लेकर क्या होगा यहाँ पर आ जाएगा बॉल्स यानी यहाँ पर क्या आएगा धर्म का पांचवा रूप दिक्कत फिर क्या दिया रोहित डॉट डॉट ब्रैकेट में भर दिया है हिट हार्ड द बॉल यानी रोहित जो है उस गेंद को जोर से मारता है क्या करता है उस गेंद को अख्तर ने जो गेंदबाजी किया है अख्तर जो गेंद फेंका है उस गेंद को क्या करता है जोर से मारता है हिट हार्ड तो रोहित भी क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा हिट में आकर आ जाएगा हिट ये भी क्या होगा टू फाइव क्योंकि यहाँ पर रोहित भी क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर याद रहेगा अख्तर रोहित को गेंदबाजी करता है रोहित गेंद को जोर से मारता है अब देखिए फिर क्या होता है द बॉल डॉट डॉट गो आउट ऑफ बाउंड्री लाइन यानी गेंद जो है वह जो जोर से मारा है उस जोर से मारने के कारण से सीमा रेखा के बाहर चली जाती है सीमा रेखा के बाहर तो द बॉल यहाँ पर क्या हो जाएगा थर्ड पर्सन का सिंगुलर तो अपने साथ भर क्या लेगा बी फाइव तो गो ना होकर यहाँ पर क्या होगा गोल क्योंकि यहाँ पर ये द बॉल जो है ये भी क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर और जब यह थर्ड पर्सन का सिंगुलर है तो ये भी अपने साथ भर का क्या लेगा पांचवा रूप इसीलिए गो का पांचवा रूप क्या हो जाएगा गोज गोज आउट ऑफ बाउंड्री लाइन कहाँ चले जाती है बाउंड्री लाइन से बाहर फोर फोर रन कितने रनों के लिए चार रनों के लिए तो इसी तरह से कमेंट्री होता है हिंदी में कहता है सोएब अख्तर रोहित शर्मा को गेंद फेंकता है रोहित शर्मा ने गेंद को बहुत जोर से मारा गेंद सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए चली जाती है तो इसी को अंग्रेजी में जब करना होगा तो अख्तर बॉल्स टू रोहित कोमा रोहित हिट्स हार्ड द बॉल कोमा द बॉल गोज आउट ऑफ बाउंड्री लाइन फोर फोर रन यानी गेंद जो है जोर से मारे जाने के कारण से सीमा रेखा से बाहर चार रनों के लिए चली जाती है यह है कमेंट्री है ना ये तो क्रिकेट का कमेंट्री था इसी तरह से कोई भी खेल का यदि कमेंट्री होगा आंखों देखा हाल का प्रसारण होगा या कमेंट्री किया जाएगा तो उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के ही अंतर्गत रखा जाएगा किसमें रखा जाएगा टू सॉ द रनिंग कमेंट्री ऑफ ए गेम यानी एक खेल के आंखों देखा हाल का प्रसारण को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है हमने क्या क्वेश्चन लिखा अख्तर डॉट डॉट बॉल तो अख्तर के अनुसार यहाँ क्या आ गया बॉल्स टू रोहित कोमा रोहित डॉट डॉट हिट तो हिट के कारण रोहित के कारण हिट किसमें आ गया हिट्स में हार्ड द बॉल कोमा द बॉल डॉट डॉट गोज क्या हो गया गोज किसके कारण द बॉल के कारण बॉल द बॉल क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर आउट ऑफ बाउंड्री लाइन फोर फोर रन कितने रनों के लिए चार रनों के लिए कोई दिक्कत या इसी तरह से आप कोई भी कमेंट्री यदि आपको सुनना पड़े या सुनने को मिलता है तो आप उसे ध्यान से सुनेंगे कोई भी खेल का रनिंग कमेंट्री जो होता है वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के भी अंतर्गत होता है याद रहेगा कोई दिक्कत हाथ चलाकर लिखे तेजी से यदि प्रॉब्लम रह जाता है तो बिल्कुल आप हमें यूट्यूब के वीडियो पर कमेंट बॉक्स में कमेंट में लिखे यहां समझ में नहीं आया मैं उसे समझाऊंगा निश्चित रूप से समझाऊंगा आप लोग हाथ चलाकर उसको तेजी से लिखे मैं इसके बाद इससे भी महत्वपूर्ण रोल लेकर आप लोगों के सामने बहुत जल्द आऊंगा जल्दी से इसको लिखे हाथ चलाकर फिर मैं आगे का वीडियो आगे का रूल जिक्र करूंगा तेजी से हाथ चलाकर इसको लिखे बाबू तेजी तेजी हाथ चलाइए
कि हम लोग देखे थे जो रनिंग कमेंट्री ऑफ द गेम जो होता है उनको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया जाता है. रनिंग कमेंट्री ऑफ द गेम, देखिए उधर से थोड़ा लाइट आ रहा है जो देखने में प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए चश्मा पहनना पड़ता है. चलिए देखिए आगे कह रहा है विराट कोहली, उसी का हम एक और एग्जाम्पल भी हमको लगा जो उस एग्जाम्पल से क्लियर नहीं हो पाएगा तो एक और एग्जाम्पल दिए. विराट कोहली डॉट डॉट ब्रैकेट में है रन आफ्टर द बॉल कोमा डॉट डॉट कैच इट एंड डॉट डॉट थ्रो इट ऑन द स्टंप्स. यानी विराट कोहली जो है गेंद के पीछे दौड़ता है और गेंद को क्या करता है, कैच करता है यानी पकड़ता है और गेंद को स्टंप पर फेंकता है. यानी विराट कोहली गेंद के पीछे 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 दौड़ता है, गेंद को कैच करता है, पकड़ता है और स्टंप पर क्या करता है, थ्रो कर देता है. ये भी क्या है, कमेंट्री है. एक गेंद का क्या है, कमेंट्री है. आ कमेंट्री जब है तो कमेंट्री को कैसे दर्शाया जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में. आइए देखते हैं विराट कोहली कौन पर्सन कौन नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, तो रन ना होकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, रन्स यानी बेफाई भरा जाएगा यहाँ पर. फिर क्या है डॉट डॉट कैच इट यानी विराट कोहली कैचेज इट, विराट कोहली थर्ड पर्सन है तो पांचवा रूप लगेगा. तो यहाँ पर ईएस, क्यों ईएस, क्योंकि इसकी समाप्ति सीएच के साथ बोले के रूल पर आए थे, सीएच के साथ जब समाप्त हो तो उसका पांचवा रूप क्या बनेगा, ईएस जोड़कर. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैचेज, कैचेज क्या होगा, प्रोफाइल इट एंड डॉट डॉट थ्रो इट ऑन द स्टंप्स. कौन थ्रो करता है, विराट कोहली. सब्जेक्ट सभी जगह क्या है, विराट कोहली. तो सभी जगह सब्जेक्ट जब विराट कोहली है तो वर्ब सभी जगह क्या आएंगे, पांचवा यानी सिंगुलर वर्ब. तो थ्रो का पांचवा वर्ब क्या हो जाएगा, थ्रो एस लग जाएगा. यही आपका क्या हो गया, कंप्लीट. देखिए किसी भी प्रकार का दिक्कत है नहीं है. यदि ध्यान से देखोगे तो हमें नहीं लगता है जो तुम्हें किसी भी प्रकार का दिक्कत रहेगा, क्योंकि जितनी बातों का जिक्र मैं कर देता हूं शायद नहीं कर पाएगा कोई. इतनी बातों को मैं तोड़ तोड़ कर बता देता हूं, जीता जागता एग्जाम्पल के द्वारा समझा देता हूं, उसके बावजूद आपको दिक्कत आ जाए तो फिर ये दिक्कत की बात है. आशा करते हमको नहीं लगता है जो किसी बच्चे को दिक्कत होता होगा. इसलिए ध्यान बनाए रखिए बोर्ड पर, कान को मेरी आवाजों पर रखिए. देखिए 100% कंसेप्ट पे जाएगा आपके दिमाग में. आइए अगला रूल पर हम लोग चलते हैं, सेवंथ नंबर रूल, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल. कारा टू सॉ ए सीरीज एक्शन फॉर प्रोग्रेस, सॉरी प्रोग्रेस नहीं प्रोसेस. कारा है एक श्रेणीबद्ध या श्रेणीक्रम क्रिया की प्रक्रिया, यानी यह क्रिया कैसे होती है श्रेणीबद्ध, उसकी प्रक्रिया या आगे बढ़ाने या जारी रखने को दर्शाने के लिए कौन आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. यानी कि श्रेणीबद्ध मतलब क्या हुआ, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, यानी एक काम हुआ तुरंत बाद दूसरा काम, दूसरा काम, दूसरा काम. उसकी प्रक्रिया को या उस काम को आगे बढ़ाने को या उस काम को जारी रखने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है. देखिएगा जब कोई सीरीज बाय सीरीज एक्शन होता है, स्टेप बाय स्टेप एक्शन होता है, तो उस एक्शन को भी दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग किया जाता है. किसका प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का. तो ध्यान से देखिए बोर्ड पर कह रहा है, अब हम इस बात को समझाने के लिए चाहे कैसे बनाया जाता, हाउ वी मैक टी, हाउ वी मैक टी, चाय हम लोग कैसे बनाते हैं. तो आइए आज मैं चाय बनाना सिखा रहा हूं. इससे पहले कमेंट्री करना सिखाया,
अब मैं चाय बनाने सिखाने जा रहा हूँ और चाय जो है एक नए अंदाज में चाय बनेगा, एक नई प्रकार की चाय बनेगा। आप लोग ध्यान दे रखिए, जो चाय बनाना नहीं भी जानते हैं चाय बनाना जान जाइएगा, आप पढ़ाई भी जान जाइएगा। जो आपका पाठ्यक्रम है, जो पढ़ाई से रिलेटेड चीज है, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें पढ़ना है वो भी आप पढ़ लीजिएगा। चाय बनाने यदि आपको नहीं आता होगा तो मैं चाय बनाना भी सिखा देता हूँ, एक बेहतर चाय जिसे सभी पसंद करेंगे। ध्यान दिए रखिए बोर्ड पर, देखिए मैंने एग्जांपल के लिए क्या लिखा है। एट फर्स्ट वी डॉट डॉट ब्रैकेट में बॉइल सम टी लीव्स इन ए लिटिल वाटर। तारा है, सब प्रथम हम लोग कुछ चाय की पत्तियों को एक छोटे पानी में, यानी ए लिटिल वाटर यानी एक थोड़ा सा पानी में, ए लिटिल वाटर मतलब थोड़ा सा पानी, कम पानी में क्या करते हैं, बॉइल करते हैं। बॉइल करना मतलब उबालते हैं, यानी सर्वप्रथम हम लोग एक बर्तन में थोड़ा सा पानी लेकर चाय की कुछ पत्तियों उसमें देकर उसको क्या करते हैं, उबालते हैं बॉइल करते हैं। तो लिखा हुआ ध्यान से देखिए, एट फर्स्ट सर्वप्रथम वी डॉट डॉट बॉइल सम टी लीव्स इन ए लिटिल वाटर, यानी सर्वप्रथम हम लोग कुछ चाय की पत्तियों को थोड़े से पानी में क्या करते हैं, बॉइल करते हैं। अब देखिए बाबू, स्टेप बाय स्टेप चाय बनेगा, तो ये क्या हो रहा है, सीरीज एक्शन है। ये क्या है, सीरीज एक्शन। सीरीज एक्शन का ये क्या दर्शा रहा है, प्रोसेस को, प्रक्रिया को। तो इस प्रक्रिया को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस बी वन ऑब्लिक बी फाइव प्लस अदरवाइज प्लस फुल स्टॉप। तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, तो ये भार क्या लेगा, प्लूरल। प्लूरल कौन होता है, बी वन। तो यहाँ पर देखिए वी के साथ क्या आ जाएगा, बॉइल में आ जाएगा, क्योंकि यही क्या है, बी वन है। तो यहाँ पर क्या भरा गया, बॉइल बी वन। क्यों भरा है, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन का क्या है, प्लूरल। देख लीजिए पहला स्टेप, जो हम लोग सर्वप्रथम चाय को कुछ चाय की पत्तियों के साथ थोड़े पानी में बॉइल करते हैं। देन तब वी डॉट डॉट बॉइल सम मिल्क इन अनदर पॉट, तब हम लोग जो है कुछ दूध को जो है एक दूसरे बर्तन में उबालते हैं, बॉइल करते हैं। तो देन मतलब तब वी अभी आ गया, यानी इस काम के बाद ये, पहले ये काम, स्टेप फिर स्टेप फिर स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। तो ये क्या हो गया, सीरीज एक्शन हो गया, और सीरीज एक्शन का क्या हो गया, प्रोसेस प्रक्रिया। उस प्रक्रिया को कौन दर्शाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दर्शाएगा। तो आप देखिए दूसरा स्टेप क्या है, जो हम लोग जो है कुछ मिल्क को जो है, दूध को जो है दूसरे बर्तन में बॉइल करते हैं, उबालते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर, तो ये भी अपने साथ भर क्या लेगा, प्लूरल। तो पहले हो जाएगा यहाँ पर भी, ये भी प्लूरल है, सॉरी ये भी प्लूरल है, तो ये भी क्या लेगा, प्लूरल। अब देखिए दो काम हो गया, तब कह रहा है नाउ अब वी डॉट डॉट फिल्टर द बॉइल्ड टी लीव्स इन टू द बॉइल्ड मिल्क, तब हम लोग क्या करते हैं, तो उबले हुए चाय की पत्तियों को फिल्टर करते हैं, छांक लेते हैं, किसमें, इनटू द बॉइल्ड मिल्क में, यानी जो दूध उबल रहा है उस बॉइल्ड मिल्क में उसको क्या करते हैं, छांक लेते हैं, उनको छांक कर दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वही है यहाँ पर भी, तो ये भी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, तो ये भी अपने साथ क्या लेगा, भर्ब का क्या लेगा जी, प्लूरल लेगा, क्योंकि ये प्लूरल तो भर्ब भी क्या लेगा, प्लूरल, कोई दिक्कत। तो अब क्या किया हम लोग, चाय की पत्तियों को जो है क्या किया, पानी से छांक कर किसमें दे दिए, जो दूध उबल रहा था उस दूध में दे दिए। देन तब क्या होता है, देन वी डॉट डॉट सर्व इट इन कप, तब हम लोग क्या करते हैं, इसे कपों में
परोसते हैं, परोसते मतलब देते हैं, परोसना मतलब उसमें देना है ना। तो रीम तो ही आ गया यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन का प्लूरल, जब ये फर्स्ट पर्सन का प्लूरल तो अपने साथ वर्ब क्या लेगा प्लूरल, तो सर्व का प्लूरल क्या हो जाएगा सर्व हो जाएगा, ये भी क्या हो गया हमारा प्लूरल। क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर वो सब्जेक्ट क्या है प्लूरल है। ये तीन कप्स हम लोग इसे किसमें कप देते हैं, कप में विथ प्लेट फुल ऑफ शुगर, और शुगर तो चाय में मिलाए नहीं थे तो शुगर को क्या किए प्लेट में दे दिए, जिसको जितना लेना है शुगर अपने से वो उठा उठा कर अपने चाय में क्या कर लेंगे डाल लेंगे। किसी को कम चीनी पसंद है, किसी को चीनी बहुत ज्यादा पसंद है। अब मान के चलिए हमको इस बात की पसंद, इस बात की जानकारी नहीं है, तो किसी में चाय अभी मान के चलिए सभी का चाय एक जगह बना, यदि चीनी की मात्रा ज्यादा दे दिए तो कम चीनी पीने वाले को नापसंद, यदि उसमें ज्यादा कम दे दिए तो ज्यादा पीने वाले को नापसंद। इसीलिए ये पसंद नापसंद की झंझट को छोड़ते हुए उसे कप में दे दिए, सॉरी प्लेट में दे दिए, जिसको जितना डालना अपना डालिए मिलाइए पीजिए चाय बनकर तैयार। कहने का अर्थ है एक श्रेणीबद्ध या श्रेणी क्रम क्रिया की प्रक्रिया को दर्शाने के लिए, या इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, या इस प्रक्रिया को जारी दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। तो जैसे चाय बनाना एक क्या हो गया प्रक्रिया हो गया, मांस बनाना क्या हो गया एक प्रक्रिया हो गया। तो जो काम स्टेप बाय स्टेप होता है यानी क्रम बाय क्रम होता है, एक के बाद एक होता है, ऐसी प्रक्रिया वाले काम को दर्शाने हेतु प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए चाय बनाए तो हम लोग क्या किए प्रोसीजर के, इसी तरह से मांस बनाएंगे तो क्या लिखेंगे एट फर्स्ट वी डॉट डॉट यहाँ पे देंगे क्लीन, क्लीन क्या करेंगे किसको क्लीन करेंगे मीट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा री है तो क्लीन हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे री मिक्स, री डॉट डॉट दे देंगे और मिक्स दे देंगे सम मस्टर्ड ऑयल इनटू मीट, मीट में हम लोग क्या करेंगे उसको मिक्स करेंगे कुछ मस्टर्ड ऑयल को, सम स्पाइसेस कुछ मसाले को एंड बॉइल एंड डॉट डॉट बॉइल इट, उसे क्या करेंगे उबालेंगे। तो इस तरह से जो काम स्टेप बाय स्टेप होगा ना, जो काम श्रेणी बाय श्रेणी होगा ना, जो काम एक के एक बाद होगा ना, उसकी प्रक्रिया को दर्शाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। आज का मौसम बहुत गर्म है, वैसे भी आज का रूल भी बहुत जबरदस्त है, आप लोग इसे तेजी तेजी लिखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में ये कम पूछता है ये दो रूल, ये दूरा सातवां और छठा रूल जो बताए ये कम पूछता है, लेकिन आपके जिंदगी में ये बेहद इंपॉर्टेंट रखता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए समझिए, जहां दिक्कत होता है कमेंट करके इसे पूछिए। आशा करते हैं सभी बच्चे कमेंट अच्छा लगने पर कमेंट करेंगे, अच्छा लगने पर अपने मित्रों के बीच में इसे सेंड करेंगे, उन्हें भी पढ़ने के लिए प्रेरित करेंगे, और इस लॉकडाउन में अपनी पढ़ाई को जारी रखने का जो एक साधन यूट्यूब बना है उसे मेरे चैनल को बराबर यूट्यूब पर देखते रहेंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखेंगे। इसे तेजी से उतारिए, मैं इसके बाद वाला रूल लेकर आ रहा हूं, बेहद बेहद इंपॉर्टेंट रूल आठवां रूल लेकर आ रहा हूं, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग और कहां कहां किया जाता है, किस लिए इनका प्रयोग होता है। तेजी से हाथ चलाकर उतारिए बाबू, जितना तेजी आप हाथ चलाकर इसे उतारोगे उतना तेजी से मैं आगे बढ़ाऊंगा, तेजी तेजी हाथ चलाइए, जल्दी से लिखिए, जहां समझ में नहीं आता है कमेंट में लिखिए और मैं उसे अगले वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा या तो मैसेज के द्वारा समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग इसे जल्दी जल्दी लिखे बाबू, हाथ चलाकर लिखे, मैं अगले रूल लेकर बोर्ड पे आ रहा हूँ, जल्दी से आप इसे लिखे, जल्दी नोट कर।
देखिए अब हम लोग आठवां गुण को देख रहे हैं। आठवां गुण हम लोगों का है टू सौ परसेंट थॉट्स फीलिंग्स स्टेट ऑफ द कंडीशन एटीसी। कह रहा है वर्तमान के विचारों सोच विचार भावनाओं स्थिति या अवस्था को दर्शाने के लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। कह रहा है वर्तमान के सोच विचार भावना स्थिति या अवस्था को दर्शाने हेतु भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया जाता है। देखिए एग्जांपल सी डॉट डॉट लुक वेरी ब्यूटीफुल यानी वह बहुत सुंदर दिखती है। ऐसा मेरा क्या है विचार है, ऐसा मेरा क्या है सोचना है। तो वर्तमान की सोच विचार भी हो अनुभव हो या सोच हो या विचार हो या स्थिति हो या अवस्था हो तो उनको दर्शाने हेतु भी किसका प्रयोग किया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट तो ये क्या हो जाएगा सी है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर तो ये अपने साथ क्या लेगा बी फाइव। देखेंगे ऑप्शन में बी फाइव कहाँ नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर थर्ड लुक्स बी फाइव है हमारा आंसर हो जाएगा लुक्स। सेकंड क्वेश्चन देखिए सेकंड क्वेश्चन कह रहा है सोनम डॉट डॉट फील वेरी टायर्ड। सोनम जो है बहुत ही ज्यादा क्या कर रही है थकान महसूस कर रही है। थकान महसूस करना तो विचार हो गया या सोच हो गया भावना हो गया या स्थिति हो गया या अवस्था हो जाए तो उनमें से किसी को भी दर्शाने हेतु क्या हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो कह रहा है सोनम जो है बहुत थकान महसूस करती है तो स्थिति या अवस्था, स्थिति या अवस्था को भी कौन सा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अपनी सोनम क्या है तो अपनी सोनम क्या है थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर होगा तो वी फाइव लेगा तो इसमें से वी फाइव कौन है पहला नंबर ही है फील्स। हमारा आंसर क्या हो जाएगा फील्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कह रहा है राधिका डॉट डॉट सी में मैट। राधिका जो है पागल महसूस होती है पागल प्रतीत तो होती है यानी राधिका जो है वह पागल लगती है देखने में। ऐसा हमारा क्या विचार है ऐसा हमारी क्या सोच है देखने से ऐसा हमें क्या हुआ महसूस हुआ हमारी भावना ऐसा क्या किया अनुभव किया है जो ये राधिका क्या लगती है पागल प्रतीत होती है। तो राधिका क्या हो जाएगी थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर जो होगा वह अपने साथ वर्ब क्या लेगा वी फाइव। तो वी फाइव कहाँ है दो नंबर में है ना तो सिम्स क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत यानी एक बार फिर से हम री कर दे रहे हैं 200% थाउट्स फीलिंग्स एस्टेट कंडीशन यानी वर्तमान के विचारों को भावनाओं को स्थिति या अवस्था को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या करता है दर्शाता है। सी डॉट डॉट लुक वेरी ब्यूटीफुल वह बहुत सुंदर दिखती है तो ये क्या हो गया विचार हो गया तो उसको भी दर्शाने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब लेगा सब्जेक्ट यहाँ सी है थर्ड पर्सन का सिंगुलर अपने साथ वर्ब भी क्या लेगा सिंगुलर दोनों इसमें से सिंगुलर वर्ब कौन है तीन नंबर लुक यानी आंसर हो जाएगा। सोनम जो है थकान महसूस करती है तो ये क्या हो जाएगा स्टेट या कंडीशन हो जाएगा स्टेट या कंडीशन हो जाएगा तो ये अपने साथ वर्ब कौन लेगा तो सब सोनम लेगी वर्ब। सोनम क्या है तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर अपने साथ क्या लेगी वी फाइव। वी फाइव कहाँ है तो पहला ऑप्शन में आंसर। तीसरा राधिका डॉट डॉट सीम मैड राधिका पागल प्रतीत होती है पागल महसूस होती है तो ये भी क्या हो गया मेरा विचार हो गया यानी जो कोई ये बात बोल रहा है उसका ये क्या हो गया सोच हो गया तो उनको दर्शाने हेतु भी किस क्या कौन सा टेंस का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है सब्जेक्ट अपने अनुसार वर्ब तो सब्जेक्ट यहाँ क्या है राधिका तो राधिका वर्ब क्या लेगी वर्ब का पांचवा क्योंकि ये सिंगुलर है तो यहाँ पर ऑप्शन में देखेंगे जिसमें वर्ब का पांचवा होगा आंसर होगा तो वर्ब का पांचवा क्या है दो नंबर में तो दो नंबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
आप लोग हाथ चला कर तेजी से लिख ले इसे बाबू, तब तक मैं आप लोगों से कुछ शेयर कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चे के रिक्वेस्ट पर मैं फिर से वीडियो बनाना प्रारंभ किया, क्योंकि मैं आप लोगों को याद होगा जो मैं वीडियो बनाना बंद कर दिया था, और वीडियो बनाना बंद कर दिया था आप ही लोग के कारण से, क्योंकि आप लोगों का कम से कम हमें तो ये प्रतीत होना चाहिए ना आप जो मेरे वीडियो का फायदा उठाते हैं। खैर छोड़िए, मैं फिर से वीडियो बना रहा हूं क्योंकि कुछ मेरे बच्चे जो है वह मेरे वीडियो के लिए बिल्कुल बहुत इंतजार में रहते हैं, वह बेसब्री से इंतजार करते हैं। उन बच्चों के लिए मैं फिर से वीडियो बनाने आ गया हूं। आप नियमित होकर वीडियो को देखें, पूरी तरह से समझे, पूर्ण कंसेप्ट ले, जहां दिक्कत हो बेहिचक पूछे, किसी भी प्रकार का पूछने में कोताही ना करे। अब आज मैं 8 रूल तक ही रख पाऊंगा, 8 से ज्यादा रूल आज मैं बताने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि ज्यादा रूल हो जाने पर आप इसे बढ़िया ढंग से नहीं कर पाएंगे, अब वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी तो आपको देखने और समझने में भी परेशानी होगी, इसलिए मैं आज इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में जो है इससे आगे का रूल लेकर आऊंगा, और नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस का जो स्पेशल रूल चल रहा है वह स्पेशल रूल समाप्त होगी। आप लोग वीडियो को अवश्य देखें, अच्छा लगने पर अवश्य कमेंट करें, अवश्य लाइक करें, एवं आप अपने अन्य मित्रों के बीच में भी इसे क्या करें, शेयर करें। सभी बच्चे अपने अपने फेसबुक के आईडी से इस वीडियो को शेयर करें, इससे मेरे चैनल को शेयर करें, ताकि अन्य बच्चे भी इसका फायदा उठा पाए और वह भी इस लॉकडाउन में अपने पढ़ाई को जारी रख सके। मैं अनिल कुमार आज आपसे विदा हो रहा हूं, मैं बहुत जल्द फिर से इसका नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊंगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लास्ट क्लास लेकर आऊंगा, स्पेशल रूल का अंतिम क्लास लेकर अगले वीडियो में मैं फिर से बहुत जल्द आप लोगों के सामने उपस्थित हूंगा। तब तक आप मेरे वीडियो को देखते रहे, मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्र गणों के बीच में शेयर करें, अपने फेसबुक आईडी से मेरे लिंक को शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इसे देख पाए। धन्यवाद, फिर मिलेंगे बहुत जल्द इससे भी महत्वपूर्ण रूल के साथ, इनकी अंतिम क्लास के साथ, प्रेजेंट इंडिफिनिट के स्पेशल रूल का अंतिम क्लास के साथ। तब तक आप अपनी प्यार इसी तरह हम पे बनाए रखें। जय हिंद, फिर मिलेंगे, सी यू अगेन, थैंक्स अ लॉट।